नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कारपॉइंट हिंदी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ओडोमीटर टेम्परिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों कभी कभी हम जब पुरानी कार परचेस करते हैं तो कार को परचेस करते समय हम दो चीज़ें देखते हैं कि कार कितना किलोमीटर चली और कार कितनी पुरानी है। लेकिन कभी कभी जो सेलर है कार का वो चालाकी करके कार का जो ओडोमीटर है जिसमें टोटल किलोमीटर शो होता है उसको पीछे करा के कार को बेच देता है, जिससे उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं और जो खरीदने वाला है उसको जानकारी ना होने के कारण वो कार खरीदता है जबकि एक्चुअल कंडीशन में वो कार ज़्यादा चली होती है, जितना कि ओडोमीटर शो कर रहा होता है उससे ज़्यादा चली होती है। तो हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि ये वाकई में कार जितना ओडोमीटर शो कर रही है उतना ही चली हुई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं दोस्तों आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे हम पता कर सकते हैं कि कार एक्चुअल में कितना किलोमीटर चली हुई है। मैं आपको एक अनुमान बता दूंगा, इससे हम मतलब काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि कार जितना ओडोमीटर दिखा रहा है वास्तव में उतनी चली है या उससे ज़्यादा चली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो पहला टिप्स है दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम जब भी कार परचेस करें तो जो उसका सर्विस रिकॉर्ड है कार का वो चेक करें। अगर कार का सर्विस रिकॉर्ड ठीक होगा तो उसमें किलोमीटर भी शो होता है और ये भी पता चल जाएगा आपको कि कार की जो सर्विस है वो कहाँ पर कराई गई है। मान लीजिए कार 30,000 किलोमीटर चली हुई बताई गई है आपको, तो आप उससे सर्विस रिकॉर्ड मांगिए जो कार बेच रहा है, और अगर वो ना दे तो आप कंपनी में जाके भी यानी कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाकर कार का जो नंबर है उसके अनुसार सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में जितना ओडोमीटर शो कर रहा है उतनी ही कार चली है या उससे ज़्यादा चली है। ये तो हो गया पहला पॉइंट जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है। इसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमको कार के पास चलना पड़ेगा। तो हम कार के पास चलते हैं, उसके बाद जो आगे के पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों कार के पास चलते हैं पहले। तो अभी हम दोस्तों कार के पास आ गए हैं और जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कार के टायर। तो कार के टायर की कंडीशन दोस्तों अगर अच्छी है तो हम सोचते हैं कि कार कम चली होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कार के जो टायर हैं वो सेलर ने चेंज कर दिए होंगे। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हर कार के टायर पर या कोई भी टायर ले लीजिए उस पर मैन्युफैक्चर डेट दी होती है जिससे कि हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो डेट है वो एक कोड में दी जाती है जो कि हर कोई नहीं समझ पाता। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कार के टायर पर, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कुछ इस तरह का नंबर दिया गया है जो कि अंदर की तरफ पंच है, खुदा हुआ है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ खुदे हुए जो नंबर होते हैं वो कार की मैन्युफैक्चर डेट है, बाकी आप ये देख रहे होंगे ये सब उभरे हुए फॉन्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपको उभरे वाले जो फॉन्ट है वो नहीं देखने हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं पूरा टायर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी फॉन्ट नज़र आ रहे हैं वो सब ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं, लेकिन जो अंदर की तरफ पंच है वो जो है कार की टायर की मैन्युफैक्चर डेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आप सीरियल देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके एंड में लिखा हुआ 16 यानी कि ये 2016 का मैन्युफैक्चर टायर है। मेरी कार जनवरी 2017 में परचेस की गई थी, तो ये जो एंड में लिखा होता है ये ईयर होता है, यानी 2016 का जो टायर है वो मैन्युफैक्चर किया गया है ये वाला। तो टायर की जो मैन्युफैक्चर ईयर है वो सबसे एंड में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे दो अंक हैं ये जो आप देख रहे हैं 5 और 0 यानी कि 50 लिखा हुआ है, ये वीक दिया होता है यानी कि हफ्ता, साल में 50वां हफ्ता होता है दोस्तों दिसंबर में। तो ये दिसंबर 2016 का मैन्युफैक्चर जो है टायर है और मेरी कार परचेस की गई थी जनवरी 2017 में। तो इस तरह से जो है वो आप पता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कार की टायर की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। और अगर थोड़े बहुत घिसे टायर हैं, जैसे कि 30,000 जैसा मैंने बताया आपको 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, तो थोड़े बहुत टायर जो हैं वो घिसी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में 40 से 45,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर को चेंज करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारी कार में मैन्युफैक्चर डेट से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमको कार के जो सस्पेंशन है उसको चेक करना है। अगर दोस्तों कार कम चली है और सस्पेंशन सिस्टम में से कोई आवाज़ वगैरह आ रही है, आपको कार ड्राइव करके देखनी है, अगर उसमें से कोई आवाज़ आ रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस गाड़ी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि जो कार है वो ज़्यादा चली हुई है। तो सस्पेंशन में अगर किसी तरह की आवाज़ है तो आपको ये भी चेक कर लेना है, क्योंकि 30 से 40,000 या 50,000 किलोमीटर जो सस्पेंशन है वो ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं कि 30 से 40,000 किलोमीटर पर सस्पेंशन ख़राब हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कार के केबिन में, तो मैं आपको केबिन में ले जाके बताता हूँ कि हमको और क्या चेक करना है। तो कार के अंदर चलते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो कार आप परचेस करने की सोच रहे हैं उसमें आपको क्या चेक करना है। तो कार के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा होगा उसको ऑन करना है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम ऑन कर लेते हैं, तो अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑन हो गया और सारी जो वार्निंग लाइट है वो शो हो रही होंगी।
उसके बाद दोस्तों जो कार का स्पीडोमीटर है इस पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। जो इसकी निडिल है दोस्तों, आपको कार को ड्राइव करके देखना है। अगर ये निडिल ड्राइव करते समय वाइब्रेट होकर ऊपर उठती है तो समझ लीजिए कि इसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है, और ये स्मूथली अगर ऊपर उठ रही है तो समझ लीजिए कि इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जितनी भी वार्निंग लाइट वगैरह है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उसको अच्छे से चेक करना है आपको। देखना है कि सारे जो फीचर हैं, सारी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दी गई लाइट हैं, वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमको कार का जो इंजन है उसको चेक करना है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं इस बारे में तो आप कोई मैकेनिक को साथ ले जाएं, और कार के इंजन की साउंड से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि कार कम चली होगी तो साउंड जो है वो एकदम स्मूथ होगा, किसी तरह का जो इंजन में साउंड नहीं आ रहा होगा। और मैं आपको कहूँगा कि आप कोई मैकेनिक को साथ लेके जाएं जो कि कार की किलोमीटर के हिसाब से आपको बता सकेगा, कार के साउंड को पता करके, कि कार वास्तव में इतना किलोमीटर चली है या नहीं। क्योंकि दोस्तों समय के साथ साथ इंजन के अंदर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे टाइमिंग चेन वगैरह, इनमें वेयर एंड टेयर होता है, जिससे इंजन का साउंड भी समय के साथ साथ चेंज हो जाता है। और जिस कार को आप दोस्तों खरीदने की सोच रहे हैं, उसका जो इंजन है अगर स्मूथ है बिल्कुल, तो समझ लीजिएगा कि कार कम चली हुई है, और किसी तरह का अतिरिक्त साउंड तो समझ लीजिए कार ज़्यादा चली हुई है। तो ये कुछ दोस्तों जानकारी थी मीटर टेम्परिंग से संबंध में। और साथ ही दोस्तों अगर आप पुरानी कार खरीदने जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट मैंने बताया उनको आप फॉलो ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों एक वीडियो और बनाया है जिसका मैंने लिंक आई बटन पे दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पुरानी कार परचेज़ करने से पहले जो कुछ पॉइंट है वो बताए हैं। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।